छह, मैं जा रही हूँ मार्केट। देखिए ये है रेड कलर। हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई सबसे पहले तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। और आज है, बज चुके हैं शाम के छह, मैं जा रही हूँ मार्केट, बहुत सारी करनी है मुझे शॉपिंग। तो देखिए मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी मार्केट जाने के लिए। और सबसे पहले आप मार्केट में सबसे पहले जो काम है वो है ये, सबको अपना अपना मास्क जरूर वेयर करना है, उसके बिना कहीं नहीं जाना है। और ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा बेटा, इससे मिलिए, बोलो हाय। चलिए तो मिलते हैं हम मार्केट में। ओहो, मार्केट में हो रही है गजब की रौनक। बहुत ही प्यारा सजाया गया है पूरा मार्केट, क्योंकि साल भर के त्यौहार है, सबसे बड़े फेस्टिवल है ये, करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गई, अलग ही रौनक देखने को मिलती है। और देखिए आगे आगे विंटर्स भी है, तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे टॉप थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और जगह जगह एकदम अच्छे से बहुत ही सुंदर, कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई चूड़ियाँ खरीद रहा है। तो मैं भी पहुंच गई एक चूड़ी वाले की शॉप पर, मैं इससे ही लेती हूँ हर साल अपनी बैंगल्स करवा चौथ की। देखिए रेड कलर का चूड़ा कितना प्यारा है, और ये पूरा गोल्डन कलर का सेट है, ये भी इतना प्रिटी है। लेकिन जो मैंने खरीदा है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं सूट वाले की शॉप पर। हर साल मैं यहाँ से ही दो तीन सूट लेती हूँ अपने, तो मैंने दो एक दो कॉटन के सूट लिए हैं इनसे, और एक दो हैवी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी रिजनेबल रेट वैरायटी रखते हैं ये। ये है कृष्णा नगर में। तो चलिए मैं बताती हूँ, मैं आपसे कल मिली थी शाम को 6 बजे, और मैं रात को गई थी मार्केट, रात को बज गए थे मुझे 12, बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने वहाँ पर बाहरी खाना वाना खा लिया, खूब सारी मैंने करी शॉपिंग, और मैंने देखी मेहंदी भी लगवा ली है, कितना प्यारा कलर आया है मेहंदी का मेरी। और यार डियर, सुबह सुबह मैंने कपड़े वपड़े धोए, बहुत काम था, तो थोड़ी आगे से ही लाइट सी हो गई है, कोई नहीं कलर और अच्छा आ जाएगा। और मैंने बहुत सारी करी थी शॉपिंग रात को, तो चलिए मैं आपसे शॉपिंग ही आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या खरीद कर लाई थी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आ जाइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स चलो जल्दी जल्दी मैं आपको सारा सामान दिखाती हूँ, बहुत सारा सामान है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी साड़ी से। ये साड़ी मैंने आपको इससे पहले ना ब्लॉग में दिखाई थी अपने, मैंने जयपुरिया बंदेज का ब्लॉग डाला था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगी लिंक को, जरूर जाके देखिएगा। तो मैंने कुछ अलग से नहीं खरीदा, ये मैंने पहले ही ला रखी थी साड़ी, मैं वही वेयर करूंगी एकदम, क्योंकि लाइट वेट है और पूरे दिन पहनने में ईजी रहती है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं मैं पहन सकती, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये बहुत प्यारी पिंक ग्रीन कलर की साड़ी है, और एकदम मैंने न्यू रखी थी, तो मैंने सोचा यही पहनूँ मैं, तो मैं करवा चौथ पर यही वेयर करूँगी। इसके साथ है इसका ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज, ये देखिए मैंने कितना अच्छे स्टिच करवाया है। और स्लिप्स कुछ इस तरह करवाएंगे इसकी, बॉर्डर वॉर्डर लगवा के मिक्स एंड मैच। उसके बाद सेकंड मैंने खरीदा था ये पिंक कलर की कुर्ती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये पिंक कलर की कुर्ती। देखिए सिंपल है बिल्कुल, बस यहाँ पे ये बटन लगे हुए हैं गोल्डन कलर के बड़े प्यारे से, और ये लॉन्ग कुर्ती है, कलर इसका मैजेंटा है, क्योंकि ना फेस्टिवल पे इस तरह ही डार्क कलर अच्छे लगते हैं, तो मैं यही वाली कुर्ती वेयर करूँगी, हो सका तो दिवाली पे भैया दूज पर देख लूँगी कब कैसे क्या पहनना है मुझको। मिक्स एंड मैच इसके साथ मेरे पास काफ़ी सारी पैंट्स हैं, और मेरे पास लहंगा भी है, देखती हूँ जो इसके साथ अच्छे से मैच करेगा मैं उसके साथ वही वेयर करूंगी और आपको जरूर दिखाऊंगी। उसके बाद डियर मैंने खरीदी एक लाइट वेट कुर्ती बिल्कुल, जो मैं पूरे दिन करवा चौथ पे सुबह से लेकर शाम तक वेयर करने वाली हूँ, वो है ये ब्रॉकेट में, देखिए कितना प्यारा डिजाइन है डार्क कलर का, बनी बनाई मैंने देखिए खरीदी है, और करवा चौथ के पूरे दिन मैं यही पहनने वाली हूँ। इसके साथ इतना सुंदर मास्क भी दिया है देखो उन्होंने मुझको। जब पहनूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी मैं, बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल हैवी लुक नहीं है, बिल्कुल एकदम लाइट वेट है,
पूरे दिन आप आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लेडीज को कितना काम करना होता है। उसके बाद डियर मुझे ना ये सूट बड़ा पसंद आया, व्हाइट कलर का, क्रीम है, लाइट क्रीम कलर का। मैंने एक ये भी ले लिया क्योंकि डेली कहीं ना कहीं आना जाना लगाता है, फेस्टिवल पे डेली मार्केट जाना, डेली शॉपिंग, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो ये उसके पर्पज से मैंने खरीदा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसीलिए मैंने इसको खरीदा। इसका दुपट्टा ऐसे है, देखिए कलरफुल दुपट्टा है इसका, बड़ा प्यारा, बिल्कुल प्लेन नहीं है, तभी मुझे ये अच्छा लगा। ये मैंने 1100 तक की रेंज में मुझे आराम से मिल गया यार। ज़्यादा हैवी है भी, ज़्यादा हैवी भी सूट साड़ी खरीद लो वो बार बार नहीं पहने जाते, इसीलिए बिल्कुल लाइट वेट और नॉर्मल ले लेती हूँ, मैं बहुत कंजूस हूँ। और दो खरीदे हैं मैंने ये बनारसी दुपट्टे। करवा चौथ आ रही है, वो आ रही है दिवाली, किसी के साथ भी हम सूट साड़ी लहंगा किसी के साथ भी इजिली वेयर कर सकते हैं सिर पर। देखिए ये है गाढ़ी डार्क कलर है ये, एकदम रेडिश टमाटरी लाल, एक तो मैंने खरीदा ये मुझे 400 तक के रेंज में मिल गया। और सेकंड कलर मैंने इसी का लिया, इसमें बस चेंज है, डॉट डॉट बने हुए हैं गोल गोल से, और वो वैसे हैं, ये गोल्डन और मेहरून डार्क कलर का है, एक मैंने लिया ये मैं अपने सूट के साथ, लहंगे के साथ, किसी भी चीज के साथ कैरी कर सकती हूँ। मैं सोच रही थी बहुत दिनों से बनारस से दुपट्टे लेने की, तो मैंने ये दो परचेज किए। एक डियर मैंने लाइट वेट का बिल्कुल पिंक से कलर का सूट खरीदा है, इसकी कुर्ती मैंने टेलर को स्टिच होने दे दी थी, सुबह मॉर्निंग में भिजवा दी ताकि वो मुझे दिवाली तक, भैया जो धनतेरस हो गया कभी भी पहन सकती हूँ मैं सूट। देखिए इसके नीचे की पूरा और ऊपर ऐसी ही मैचिंग थी इसकी कुर्ती, बहुत प्यारा लगा मुझे ये। 1400 का खरीदा मैंने ये सूट, और इसके साथ है ये प्लेन दुपट्टा शिफॉन का। उसके बाद हम आते हैं अपनी सुहाग की निशानी पे, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए हैं। एक तो ये बिछुए देखिए कितने प्यारे से हैं, लाइट वेट एकदम। मैं ना बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ें खरीदती हूँ, ज़्यादा हैवी हैवी मैं नहीं पहन सकती बिल्कुल भी। और थोड़ी पायल मैंने ली है हैवी, क्योंकि करवा चौथ दिवाली बिना पायल के तो। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका पायल का। तो ये हो गया बिछुए और मेरी पायल। उसके बाद डियर मैं आती हूँ अपनी चूड़ियाँ, जो मैं चूड़ियाँ लेकर आई थी, ये मैं चूड़ियाँ मार्केट से लेकर आई थी सारी। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी, जो मैं साड़ी पहनूंगी उसके साथ एकदम मैंने प्लेन ही रखी है, ये रेड और ग्रीन कलर की। आजकल ये जो ग्रीन है ना ये मैट में चल रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा इस पर हल्का हल्का एकदम वेलवेट लगा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा इसी का सेट बनवा लूँ और मिक्स एंड मैच करके मैं अपने आप ही सेट पहन लेती हूँ। काफ़ी अलग अलग तरह की मैं वैरायटी लेती हूँ। तो देखिए ग्रीन और रेड, और ये मैट में जो था मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसमें मैंने दो शेड ले लिए प्लेन, एक तो लिया मैंने रेड जो सबके साथ चलेगा और हम किसी भी साड़ी के साथ आराम से पहन सकते हैं, रेड तो हर साड़ी के साथ अच्छा लगता है। और सेकेंड इसमें मैंने लिए मर्जेंटा, बहुत ही प्यारा कलर था, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मेरी कुर्ती भी इस कलर की थी, तो मैंने सोचा ये तो ले लूं दोनों, एक मैंने ली मैट में ये। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने मेन बैंगल्स कड़े, आजकल देखिए कितना ट्रेंड में है राधा किशन का, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रीटी लगा, तो मैंने एक सेट ले लिया। देखिए कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए वाओ बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी इसकी फिनिशिंग,
बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये, सो मैंने इसको ले लिया। ये डियर देखिए मल्टी कलर है सारा, मैजेंटा, येलो, रेड, ग्रीन, किसी के साथ भी आप आराम से पहन सकते हैं। उसके बाद मैंने ली देखी कितनी प्यारी शीशे वाली बैंगल गोल्ड है, ये हम किसी के साथ भी आगे पीछे लगाकर इजीली पहन सकते हैं। वाओ, मुझे देखते ही पसंद आ गई। और इसकी रेंज भी ज्यादा नहीं है, 200 की 4 दी उसने मुझे। क्योंकि मिक्स एंड मैच करके हम किसी भी ड्रेस के साथ ही आराम से पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारी लगी, देखा आपने अच्छे से इसको। एक सेट बनवाया मैंने ये, मैं डियर हमेशा ही ऐसे लेती हूँ अलग अलग करके, फिर मैं मिक्स एंड मैच करके अपने आप पहन लेती हूँ। देखिए वाओ, सो प्रीटी। इसमें ना गोल गोल ये कुंदन से टाइप में लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा मेटल में है ये, देखो अंदर से मेटल है, कांच नहीं है। ये मैंने उससे 8 चूड़ियां ली और उसने मुझे अराउंड 300 की है 8 चूड़ियां दी, क्योंकि फेस्टिवल पे ना ये चमक धमक किसी टाइप का ही अच्छा लगता है। एक मैंने लिए फिरोजी स्टोन की, देखिए कितने बारीक स्टोन है इस पे, ये भी बहुत ही प्यारा है। मुझे पसंद आ रही थी वो मैंने सारी ले ली। ये हम किसी के साथ भी आराम से पहन सकते हैं, देखिए आगे पीछे लगाकर कैसे भी अपने सेट को और भी प्यारा अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा बना सकते हैं। उसके बाद मैंने ये 4 से चूड़ियां ली, ये डेली यूज में कभी भी कैसे भी पहन लो, डेली फेस्टिवल के पूरे दिन वेयर कर रखो इन्हें, इसके स्टोन सब ऐसे ही रहेंगे। तो डियर कैसी लगी आपको मेरी चूड़ियों की कलेक्शन सारी, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम आते हैं अपनी झुमकियों पे, तो मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे झुमके लिए स्पेशली करवा चौथ के लिए, तो मैंने ये वाली ली है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये है रेड कलर की, रेड है और विद मोती का, ये मोती के नीचे लटक रहे हैं सारे स्टोन्स। ये मुझे 400 का दिया था उसने पेयर पूरा, और यही वेयर करूंगी मैं करवा चौथ पर अपने। देखा आपने अच्छे से कितनी सुंदर लग रही है ये। उसके बाद मैंने, दिवाली हो गई, भैया दूज हो गया, काफी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कि मैंने लिया गोल्डन। गोल्डन हम किसी पे भी पहन सकते हैं, किसी के साथ भी, गोल्डन तो हर किसी के साथ चल जाता है। देखिए कितना सुंदर प्यारा गोल्डन है ये। मुझे ना ये मोती जो इसमें नीचे काफी अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी चीजें मोती हो गया या कुंदन हो गया, बहुत प्यारी लगती है शुरू से ही, तो मैं इस टाइप की ही लेना पसंद करती हूँ, मुझे और कुछ पसंद नहीं आता। और एक मैंने ली ग्रीन कलर की, देखिए ये उसने मुझे 200 की दी और बहुत ही प्यारी लगी मुझको ये। मेरी ये सब कुछ करवा चौथ की दिवाली की शॉपिंग, फेस्टिवल शॉपिंग पसंद आई हो तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर, DIY लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती रहूंगी। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा करवा चौथ और दिवाली शॉपिंग ब्लॉग, और ये दो पार्ट में कर दिया है मैंने कन्वर्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, इसलिए है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, जरूर देखिएगा। ओके, बाय।